अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज गुलनूर। गाइस आज गुलनूर आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू गोश्त कैसे बनाते हैं। आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े चम्मच ऑयल, इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज में लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें डालूँगी दालचीनी और लौंग, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। दो से 3 मिनट भुनाई के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। मैंने 2 कप हाई फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई करूँगी। 5 से 8 मिनट चिकन को फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, हमने काट लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी। एक चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। दो से 3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। गोश्त हमारा भुन चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। अब मैं इसे 6 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सब्ज मिर्च। ये मैं लास्ट में इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बाद में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच सूखा धनिया। सूखा धनिया से पिसा हुआ लेंगे। आलू हमारे भुन चुके हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी जितना। यहाँ मैंने 3 गिलास पानी ऐड किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी और अच्छी तरह पकने दूँगी। सलाद हमारा बहुत ही अच्छी तरह पक चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।